गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस टर्न आई सॉल्व एक्सरसाइज 8.3 एंड क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4। दिस एक्सरसाइज इज द लेसन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर। ओके, द चैप्टर नेम इज फ्रैक्शनल नंबर। सो टुडे वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। हाउ वी कैन राइट अनलाइक फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। ओके, अनलाइक फ्रैक्शन को हम असेंडिंग ऑर्डर में कैसे राइट करेंगे। सो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ए है जो आपका 6, इसमें न्यूमरेटर सेम है। ओके, न्यूमरेटर लाइक फ्रैक्शन में आप जानते हो कि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। ओके, जिसमें डिनोमिनेटर सेम हो वो लाइक फ्रैक्शन है, अदरवाइज सब क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन है। तो इसमें देखिए डिनोमिनेटर तो किसी में सेम नहीं है, सो इट इज अनलाइक फ्रैक्शन। इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपका न्यूमरेटर जो है आपका सेम है, तो आपको बताया गया है कि जब न्यूमरेटर सेम हो तो डिनोमिनेटर में आपका जो डिजिट, जो नंबर सबसे बड़ा होता है वो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, वो फ्रैक्शनल नंबर क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो इसमें देखिए डिनोमिनेटर में सबसे बड़ा नंबर आपका 13 है। ओके, दिस मीन्स 6/13 जो फ्रैक्शनल नंबर है वो आपका इन नंबर्स में सबसे छोटा होगा। ओके, तो असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है तो आपको स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट लिखना है। सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू आपकी हो गई 6/13। ओके, इस तरह से जब आप 13 से नीचे आओगे, 13 के बाद आपका 10। ओके, 10, तो जब आप जितने नीचे जाओगे, जितना नीचे जाओगे वो वैल्यू उतनी बड़ी होती जाएगी। ओके, कब, जब न्यूमरेटर सेम हो, ऐसे फ्रैक्शनल नंबर में। ओके, तो आपका 6/13 सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो गया, उसके बाद आपका हो गया 6/10, उससे थोड़ा सा बड़ा, फिर 6/10 के बाद 6/9, ये हम असेंडिंग ऑर्डर में आपको बता रहे हैं, 6/9, फिर 6/8, 6/7। अब देखिए 7 जो है डिनोमिनेटर में जो डिजिट है वो क्या है, सबसे छोटी है, लेकिन ये 6/7 जब फ्रैक्शनल नंबर में है ये क्या, ये आपका सबसे बड़ा है, 6/7 सबसे बड़ा फ्रैक्शनल नंबर है इन नंबर्स में। ओके, नेक्स्ट है, अब देखिए नेक्स्ट जो है आपके पास जो क्वेश्चंस हैं इनमें ना तो न्यूमरेटर सेम है ना डिनोमिनेटर सेम है, क्योंकि ये अनलाइक फ्रैक्शन है इसलिए डिनोमिनेटर सेम होगा नहीं। अब इसमें न्यूमरेटर भी सेम नहीं, तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को इक्वल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। ओके, डिनोमिनेटर को इक्वल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमें किसी ऐसे नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा कि वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में हो जाए। तो जिस नंबर अब हम क्या करेंगे, अब हम देखिए सॉल्व करते हैं, हम कोई भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सी। ओके, क्वेश्चन नंबर सी में हमें, हमारे देखिए डिनोमिनेटर क्या, 4, 5, 20, 10, 20, हमें इसको क्या करना है, इक्वल नंबर में चेंज करना है। ओके, डिनोमिनेटर इसका सब सेम करना है। ओके, जब डिनोमिनेटर आप सेम कर दोगे तो आपको खुद ब खुद ये न्यूमरेटर से पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर छोटा है या बड़ा। ओके, तो हम क्या करेंगे, उस सेम करने के लिए हम 4, 5, 20, 10 और 20 का एलसीएम लेंगे। ओके, एलसीएम आपने पढ़ा है अभी पिछले चैप्टर्स में कि एलसीएम हम कैसे निकालते हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सी। ओके, अब हमें क्या करना है, इसको डिनोमिनेटर को सेम नंबर्स में कन्वर्ट करना है, तो हम इसको 4, 5, 20, 10, 20 का लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स निकालेंगे। ओके, एलसीएम निकालेंगे, तो हम एलसीएम कैसे निकालते हैं, आप जानते हो कि एलसीएम निकालते हैं हम 4, 5, 20, ये हमारा 10 हो गया, फिर आपका 20, इसलिए 2 टाइम आप 20 नहीं लिखोगे। ओके, अब हम इसका एलसीएम देते हैं। चलिए एलसीएम कैसे स्टार्ट करते हैं, हम प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं, प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है। ओके, 2 है, 3 है, 5 है, तो 2 से पहले हम करेंगे, 2 से देखिए 4 आपका डिवाइड होगा, 20 होगा, 10 होगा, 2 2 जा 4 5, ये नहीं होगा, इसको हम ऐसे ही लिख देंगे, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10। अब देखिए अभी भी ये 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2 5, 2 5 जा 10 5। अब देखिए इसमें 5 5 5, ये
इसमें ये जो फाइव से हम इन तीनों को डिवाइड कर सकते हैं, ओके, फाइव प्राइम नंबर से, ये हमारा वन वन वन, ओके। अब हमारा लो एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम आपका हो गया टू मल्टीप्लाई बाई टू मल्टीप्लाई बाई फाइव, टू टू जा फोर, फोर फाइव जा ट्वेंटी, ओके, एलसीएम हो गया आपका ट्वेंटी। सो हमें क्या करना है, हमारा डिनोमिनेटर ट्वेंटी हो गया, तो डिनोमिनेटर को हमें ट्वेंटी करने के लिए हम हर फ्रैक्शन में किसी न किसी सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमें डिनोमिनेटर हमारा ट्वेंटी हो जाए, उसी सेम नंबर से हम ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। अब सबसे पहले देखिए थ्री अपान फोर, ओके, थ्री अपान फोर, इसको हम कन्वर्ट करेंगे, थ्री फोर में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे कि ट्वेंटी हो जाए, फोर में हम फाइव का मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, फोर फाइव जा ट्वेंटी, तो फाइव से हम ऊपर भी करेंगे, थ्री फाइव जा फिफ्टीन, ये हमारा हो गया फिफ्टीन अपान ट्वेंटी। इसी तरह से टू अपान फाइव, टू अपान फाइव, फाइव में हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा डिनोमिनेटर क्या हो जाए, ट्वेंटी हो जाए, तो फाइव फोर जा ट्वेंटी, ऊपर से भी फोर से मल्टीप्लाई करेंगे, टू फोर जा एट अपान ट्वेंटी। इसी तरह से अलेवन अपान ट्वेंटी में हम मल्टीप्लाई करेंगे, अलेवन में हम देखिए ट्वेंटी में हम ट्वेंटी, तो हमारा ट्वेंटी ही है, सो हम इसमें वन से मल्टीप्लाई मीन्स किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। सेवन अपान टेन, टेन को हम ट्वेंटी में कन्वर्ट करने के लिए टू से मल्टीप्लाई करेंगे। अब टेन में हम टू से मल्टीप्लाई करेंगे, तो टेन टू या ट्वेंटी, टू से हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, सेवन टू या फोर्टीन, फोर्टीन अपान ट्वेंटी, ओके, ये हमारा थर्टीन अपान ट्वेंटी, तो थर्टीन अपान ट्वेंटी, तो ट्वेंटी है ही ये डिनोमिनेटर, इसे आपको कुछ करना नहीं है, ओके, चाहे आप इसको वन से मल्टीप्लाई करिए, कुछ भी करिए, ओके, नहीं भी करेंगे तो कुछ नहीं, थर्टीन अपान ट्वेंटी आप सीधे ऐसे राइट करेंगे, कुछ नहीं करना है आपको, केवल थर्टीन अपान ट्वेंटी राइट कर देना है। अब हम इस जितना भी हमने फ्रैक्शन चेंज किए हैं इनको हम लिख लेंगे यहाँ पे, फिफ्टीन अपान ट्वेंटी, फिर है आपका एट अपान ट्वेंटी, फिर एलेवन अपान ट्वेंटी, फिर है फोर्टीन अपान ट्वेंटी, फिर है आपका थर्टीन अपान ट्वेंटी, ओके। अब हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में राइट करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में राइट करेंगे, तो सिंपली आप दे सकते हो सबसे जो स्मॉलेस्ट डिजिट होगी वो सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगा, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर हमने सेम किया है, तो एट अपान ट्वेंटी सब ये हो गया आपका एट अपान ट्वेंटी, फिर है आपका एलेवन अपान ट्वेंटी, फिर आपका थर्टीन अपान ट्वेंटी, फिर फोर्टीन अपान ट्वेंटी, फिर है आपका फिफ्टीन अपान ट्वेंटी, ओके। ये तो जो हमने कन्वर्ट किया था उसका असेंडिंग ऑर्डर राइट किया, पर किसको हमने इक्विवेलेंट फॉर्म में चेंज किया था, ओके, ये सब हमने इसको इक्विवेलेंट फॉर्म में चेंज किया ना, ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, तो ये जो हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चेंज किया है हम इसको ओरिजिनल फॉर्म में लिखेंगे, ओके। एट अपान ट्वेंटी, देखिए एट अपान ट्वेंटी किसको हमने कन्वर्ट किया था, एट अपान ट्वेंटी हमने कन्वर्ट किया था टू अपान फाइव को, तो हम सबसे पहले टू अपान फाइव लिखेंगे, फिर एलेवन अपान ट्वेंटी किसको कन्वर्ट किया था, एलेवन ट्वेंटी तो वही था, तो हम एलेवन अपान ट्वेंटी राइट करेंगे, फिर थर्टीन अपान ट्वेंटी है आपका, थर्टीन अपान ट्वेंटी राइट करोगे, फिर फोर्टीन अपान ट्वेंटी, सॉरी देखिए थर्टीन अपान ट्वेंटी आपने इसी को कन्वर्ट किया था, ओके, यही है, फिर फोर्टीन अपान ट्वेंटी आपने किसको, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसका था, ये सेवन अपान टेन का, ओके, तो ये हो गया आपका सेवन अपान टेन, ओके। फिफ्टीन अपान ट्वेंटी किसको आपने कन्वर्ट किया था, देखिए फिफ्टीन अपान ट्वेंटी आपने थ्री अपान फोर को कन्वर्ट किया था, इसको हमने इसके फिर ओरिजिनल फ्रैक्शन में राइट कर दिया, ओके, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया आंसर। इस तरह से बच्चों हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अनलाइक फ्रैक्शंस में जितने भी डिनोमिनेटर हैं उनका हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्यों निकालेंगे, इसलिए कि हम उसका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स निकालते हैं, ऐसा मल्टीपल्स लिखते हैं जिससे सारे डिनोमिनेटर के नंबर्स क्या हो जाएं, डिवाइड हो जाएं, ओके।
इसलिए हम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल लिखे, इसका कॉमन मल्टीपल्स निकालते हैं। ओके, तो हम निकालने के बाद इसको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज करेंगे इस फ्रैक्शंस को, जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, 20 हो। तो हम इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद आपके लिए इजी हो जाता है कि आप कैसे असेंडिंग ऑर्डर में इसको राइट करो। उसके बाद इसको आप अपनी ओरिजिनल वैल्यू में राइट कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। कंपेयर द फॉलोइंग मिक्स्ड फ्रैक्शन यूजिंग ग्रेटर देन और लेस देन साइन। लेस देन मिक्स्ड फ्रैक्शन का हमें कंपेयर करना है। ओके, अब देखिए यहाँ पे 1 and 4/6 एंड 11/7 में कौन सा आपका नंबर जो है बड़ा है। ओके, तो अब देखिए 1 इज होल नंबर, इसमें क्या है, होल नंबर है 1 and 4/6। ओके, 11/7 है, तो इसको आप राइट कर सकते हो, इसको भी आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो आप राइट करते हो 7 1 7। ओके, क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 11 देखिए डिनोमिनेटर से क्या ज़्यादा है, 7 1 7 और प्लस 4, रिमाइंडर आपका क्या बचेगा, 4। ओके, तो ये हो गया आपका 11/7 को आप लिख सकते हो 1 and 4/7। 1 1 आपका सेम हो गया, आप देखिए 4 और 6, 4 न्यूमरेटर सेम है और हमें डिनोमिनेटर में कंपेयर करना है 6 and 7 में। ओके, तो आप जानते हो जब न्यूमरेटर सेम होता है तो डिनोमिनेटर में जो छोटा नंबर होता है, जो छोटी डिजिट होती है, वही बड़ी होती है। ओके, तो दिस मीन्स 6 is 4/6 is greater than 4/7। तो कौन सा मिक्स फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा, 1 1 and 4/6। ओके, 1 and 4/6 ग्रेटर देन 11/7। ओके, इसी तरह से आप इसको करोगे 1 and 5/9, ये है आपका 14/8, इसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हो इम्प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन में। 8 1 जा 8, ये हो गया 8 1 जा 8। हम क्या करते हैं, 14 को हम 8 से डिवाइड करेंगे, 8 1 जा 8, फिर हमारा क्या बचा रिमाइंडर, 6। 8 1 जा 8 plus 6 14 equal to 14। 8 1 जा 8 plus 6 equal to 14। ओके, हम इसको लिख सकते हैं 1 and 6/8। अब देखिए 1 1 तो आपका होल नंबर सेम हो गया, अब बाकी क्या बचा आपका 5 1 9 और 6/8। तो इन दोनों में हमें कंपेयर करना है, तो देखिए इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 8 5 जा 40 और 9 6 जा 54। ओके, 8 5 जा 40 और 9 6 जा 54। तो 54 क्या हुआ, ग्रेटर हुआ 40 से, दिस मीन्स ये वैल्यू क्या हो गई आपकी, ज़्यादा हो गई। ओके, सो 14/8 इज ग्रेटर देन 1 and 5/9। अगर आपको इस तरह समझ में आया तो इस तरह भी कर सकते हो, 5/9 और 6/8 का 5/9 और 6/8 का आप एलसीएम ले लो, 8 9 जा 9 और 8 का एलसीएम लोगे तो 72 आएगा। ओके, 72। अब आप इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज करके देखोगे, 9 का 8 में मल्टीप्लाई करोगे, 9 8 जा 72, 8 का ऊपर भी मल्टीप्लाई करोगे, फिर 8 में 9 का मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर भी 9 का मल्टीप्लाई करोगे। ओके, तो ये अब हम इसमें जब 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 जा 40 और यहाँ पे हम 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 6 जा 54। देखिए इस तरह से भी वही आ रहा है सेम, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम वैसे जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से देखेंगे तो हम समझ जाएंगे कौन सा नंबर, फ्रैक्शनल नंबर बड़ा है। ओके, इसी तरह सेम है, देखिए इसमें होल नंबर 2 है, होल नंबर 1 है, सो इट इज़ ग्रेटर देन, पहले हम होल नंबर में कंपेयर करेंगे, सो इट इज़ ग्रेटर देन दिस। इसी तरह से इसमें भी देखिए होल नंबर 4 है, होल नंबर 3 है, सो इट इज़ ग्रेटर देन दिस। इसी तरह से आप इसको कर लोगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपका एक्सरसाइज 8.4। इसमें रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू द सिंपलेस्ट फॉर्म। किसी फ्रैक्शन को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे चेंज कर सकते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है कि उसको सिंपल फॉर्म में चेंज करना। सिंपल फॉर्म मीन्स जैसे आपका 10/12 है, ओके, या फिर आप ले लीजिए 14/28। तो 14/28, ओके, इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। दिस मीन्स इसको हम किसी ऐसे नंबर से डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे
ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे जिससे ये डिवाइड हो जाए, ओके। और ये तब तक हम इसको कट करेंगे जब तक ये कट हो रहा है, जब तक ये डिवाइड हो रहा है तब तक हम इसको डिवाइड करते जाएंगे, ओके, किसी भी सेम नंबर से। तो जैसे कि 14 या 28 है, ये देखिए 2 से दोनों आपका डिवाइड होगा, 2 से 1 जा 14, और ये हो गया 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, ओके, आपका क्या हुआ 7/14। अभी भी देखिए ये किससे डिवाइड होगा, ये 7 से आपका हो जाएगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। सो आपका सिंपलेस्ट अब 1/2। अब ये नंबर फ्रैक्शनल नंबर ऐसा नंबर आपको मिला कि आप इसको अब डिवाइड नहीं कर सकते, ओके। अब ये किसी नंबर से डिवाइड होगा, नो नहीं होगा, सो इट इज़ सिंपलेस्ट फॉर्म, ओके, 1/2 इज सिंपलेस्ट फॉर्म। इसी तरह से हमको सारे क्वेश्चन करने हैं। जैसे आपका 10/12 है, इसको आप डायरेक्ट यहीं से भी डिवाइड कर सकते थे, 14 2 जा 28, 2 टाइम हो गया 1/2, ओके। अब जैसे आपका 11/13 है, तो 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, 1/3 सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, 5 4 जा 20, 1/4 सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। विच आर द फॉलोइंग फ्रैक्शन आर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, रिड्यूस द वंस विच आर नॉट। इसमें बताइए कौन सा फ्रैक्शन ऐसा है जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म में है और जो नहीं है। रिड्यूस द वंस विच आर नॉट, उन्हें हटा दीजिए जो नहीं है, ओके। तो इसमें देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे फ्रैक्शंस होते हैं जिनको आगे हम डिवाइड नहीं कर सकते, उसके आगे हम किसी भी फॉर्म में उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, ओके। अब जैसे कि 1/4 है, देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म है ये, इसको हम किसी भी सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं, ओके। 1/4 को और सिंपली हम इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ये अपना ओरिजिनल नंबर है, ओके, सो इट इज़ सिंपलेस्ट फॉर्म। 2/6, देखिए 2/6 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, इसको अभी हम और सिंपल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1/3, सो इट इज सिंपलेस्ट फॉर्म, सॉरी, सो इट इज नॉट ए सिंपलेस्ट फॉर्म, ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, ओके। 4/5, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, 4/5 को हम देखिए किसी भी सेम नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, सो इट इज सिंपलेस्ट फॉर्म 5। तो ये आपका क्या हुआ, सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं हुआ, इसको आप क्रॉस कर लोगे। फिर आपका 5/6 है, इसको भी किसी भी सेम नंबर से डिवाइड, सो इट इज सिंपलेस्ट फॉर्म। 6/18, देखो इसको डिवाइड कर सकते हो, 6 1 जा 2, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 3 टाइम डिवाइड होगा, 1/3, सो ये क्या है, ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, ओके। इसी तरह से 8/20, इसको भी आप डिवाइड कर सकते हो, ये भी आपका सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। नेक्स्ट है आपका एक्सरसाइज 8.5। एक्सरसाइज 8.5 में देखिए 3 क्वेश्चंस आपके वर्ड प्रॉब्लम है जो आपके फ्रैक्शनल नंबर से रिलेटेड है, ओके। देखिए देयर वेयर 46 व्हीकल्स ऑन द रोड, इफ़ हाफ ऑफ देम वेयर बसेज, हाउ मेनी बसेज वेयर देयर ऑन द रोड, ओके। कितने व्हीकल्स हैं रोड पे, 46 नंबर ऑफ व्हीकल्स इज 46। आप राइट करोगे क्वेश्चन नंबर वन वर्ड प्रॉब्लम, नंबर ऑफ व्हीकल्स इक्वल टू 46, कितने 46, ओके। अब इसमें कहा गया है कि इफ ऑफ हाफ ऑफ देम वेयर बसेस, ओके, तो हाफ ऑफ देम बसेस, तो हम क्या करेंगे, हाफ ऑफ देम मींस क्या, इसका हाफ, ओके, टोटल्स व्हीकल्स हैं उनका हाफ क्या है, बसेस हैं, तो दिस मींस 46 का हम हाफ करेंगे। तो जब हम 46 का हाफ करेंगे, देखिए 2 से 46 आपका डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 बसेज। सो आपको क्या निकालना, हाउ मेनी बसेज वी आर देयर ऑन द रोड, तो कितने बसेज हैं ऑन द रोड पे, 23 बसेज, ओके, ये हो गया आपका आंसर। तो यहाँ पे आप राइट करोगे, सो 23 बसेज ऑन द रोड। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चंस भी इसी तरह करना बच्चों। सुनीता बॉट 68 एप्पल्स, ही फाउंड 1/4 ऑफ देम रोटेन, सो थ्रू देम अवे, हाउ मेनी वेयर थ्रोन अवे।
सुनीता ने 68 एप्पल्स बॉट की मीन्स खरीदे, उसने 1/4 उसमें से क्या खराब पाए, सड़े हुए पाए, तो उसने क्या किया, उन्हें फेंक दिया। तो हमें इसने पूछा कि हाउ मेनी वेयर थ्रोन, उसने कितने एप्पल्स फेंक दिए। तो 68 एप्पल्स का 1/4 पार्ट उसने फेंक दिया, तो हम 68 का 1/4 निकालेंगे। ओके, सो 1/4 ऑफ 68 एप्पल्स को हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा कितने एप्पल्स उसने फेंक दिए। इसी तरह थर्ड है, आउट ऑफ 32 पीपल प्लेइंग इन ए गार्डन, 32 पीपल खेल रहे हैं, 3/4 वे आर प्लेइंग सॉसर, हाउ मेनी वे आर नॉट प्लेइंग सॉसर। ओके, इसमें देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा उलट दिया आपको। इसमें कहा गया है कि 32 पीपल्स हैं ग्राउंड में खेल रहे हैं, उसमें से 3/4 प्लेइंग सॉसर। ओके, कितने, 3/4 32। ओके, 3/4 ऑफ 32 पीपल्स वे आर प्लेइंग सॉसर। इसमें पूछा कौन से नहीं खेल रहे हैं, दिस मीन्स इसका जब 3/4 आप 32 करोगे, आप सॉल्व करोगे, तो जो निकलेगा कौन से पीपल्स होंगे, वो ऐसे पीपल्स होंगे जो खेल रहे होंगे, जिसमें खेलने वाले सॉसर्स का पार्ट दिया है। तो हम अब क्या करेंगे, जो बचेंगे जब आपका निकल आएगा जो खेल रहे हैं, तो उसमें से जो बचेंगे हम इसमें से माइनस कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, नंबर ऑफ पीपल 32। ओके, फिर आपसे कहा गया है कि 3/4 वे आर प्लेइंग, 3/4 वे आर प्लेइंग। ओके, सो 3/4 ऑफ पीपल इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई बाय 3/4 ऑफ मीन्स क्या होता है, 3/4 मल्टीप्लाई। ओके, मल्टीप्लाई का साइन जब वो ऑफ हो तो हम मल्टीप्लाई का साइन यूज करते हैं। तो हमारा हो गया थर्ड, अब हम इसको डिवाइड करेंगे, 4 8 जा 32। अब 8 काम क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 जा 24 24, ये कौन हो गया, 24 पीपल वेयर प्लेइंग, क्या खेल रहे हैं, सॉसर। ओके, कौन से इस गेम को, कौन से ऐसा, हमें क्या निकलना है कि ऐसे पीपल्स के नंबर ऑफ पीपल्स निकालें जो इसको नहीं खेल रहे हैं। तो आपको पता चल गया 32 में से 24 इस गेम को खेल रहे हैं, तो जो हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमें पता चलेगा कौन से पीपल्स ऐसे हैं जो सॉसर नहीं खेल रहे हैं। ओके, सो नंबर ऑफ पीपल्स आर नॉट प्लेइंग सॉसर। ओके, हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, 32 माइनस 24 इक्वल टू हमारा आ जाएगा 8। ओके, आंसर क्या हो गया आपका, 8। इस तरह से आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीटली सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसको आप खुद से सॉल्व करोगे। ओके, फिर है आपका रिवीजन एक्सरसाइज। ओके, रिवीजन एक्सरसाइज सेम है बिल्कुल, जो आपने पढ़ा अभी तक उसी तरह से आप इसको खुद से करने का प्रयास करोगे। ओके, आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया, नेक्स्ट टर्न पर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपका, ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस चैप्टर 9। ओके।